जैसे ही कट होता था मेरी आदत थी मैं मुंह से वाओ ऐसे करके निकल जाता तो वो मेरे सपने में आ जाते थे रात को मेरा गला दबा रहे होते तो बाय ग्रेस वो सिंक कर गई चीज तो फिर मैं मैं तो ये भी भूल गया था मैंने करा क्या क्या है <laughs> तो बिकॉज आंख उनकी है मैंने तो जो करा मैं देखने नहीं जाता हूँ वापस ऑफ स्क्रीन आप लोगों की कैसी बातें होती थी बिकॉज आप भी एक गेटअप में रहते थे सोनाक्षी so एंड मनीषा मैम एंड आदिति सब हर कोई अपने गेटअप में रहता था ऑफ स्क्रीन आप लोगों की कैसे बातें होती थी माहौल पे डिपेंड करता था अब मैं तो खैर मेरी कोशिश ज़्यादातर ये होती थी कि आ, सीन ज़्यादातर जैसे भी हो मैं वो एक बैगेज के साथ नहीं जाता था कि भाई आज सैड है आज बैगेज नहीं जैसे ही कट होता था मेरी आदत थी मैं मुँह से वा ऐसे करके निकल जाता था तो पूरा सेट हँसता था कि यार ये वाव कैसे कर सकता है अभी रो के हटें और ये वाव कर देता था एंड uh, मेरा वाव बहुत फेमस था वो मुझे पेपअप भी करता था <laughs> एक लिथार्जी और कंटिन्यूस जो एक एफर्ट होता था उससे एक एक जो रूटीन सा आ जाता था ना जी. उससे मैं ब्रेक करने की कोशिश करता जी. था सो वेन एवर आई यूज़ टू फील लिटिल टायर्ड मैं हमेशा करता था लिटिल बिट ऑफ ईजी यू नो एटमोसफेयर अराउंड यस आपने बहुत सारे सेट पर काम किया होगा लेकिन ऐसा मान लिया गया है कि संजय लीला भंसाली जी के सेट पर काम करने के बाद मतलब करने का एक्सपीरियंस ही बहुत अलग होता है तो आपने क्या ऐसा अलग देखा है दूसरों सेट से मतलब दूसरों के सेट से और संजय सर के सेट से एक तो जब मैंने गंगू भाई शुरुआत में पहला प्रोजेक्ट उनके साथ किया उसमें मेरा एक कामया था और uh, मैं स्टिल आई मेन ओ ऑ ऑ ऑ ऑ ऑफ संजय लीला बंसाली ओ में होना और डर के काम करना वो मेरे से होता नहीं एज एन एक्टर मैं खुल नहीं पाता हूँ सो ग्रेजुअली जब मैंने हीरा मंडी में गया तो मैं उनको बोला कि सर वो मेरे सपने में आ जाते थे रात को मेरा गला दबा रहे होते थे मैं बोलता था जाके सर आप ना कल मेरे सपने में आ गए मेरा गला दबा। सो उन्होंने मुझे बहुत कम्फर्ट जोन में आने की परमिशन दी और इजाज़त दी कि मैं फ़्लो में जाऊँ मुझे मेरे डायलॉग्स इम्प्रोवाइजेशन उसकी परमिशन दी एंड आई एम रियली थैंकफुल मुझे फैलने का मौका दिया uh, जिसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उनको कॉन्फिडेंस मेरे में आया uh, म, कि उन्हें इतना कॉन्फिडेंट फील करा पाया मैं कि हाँ मुझे एंड बाय गॉड्स ग्रेस वो सिंक कर गई चीज़ तो फिर मैं ओ में तो रहा उनकी आज भी हूँ और हमेशा रहूँगा एक हिचक खत्म हुई ताकि उससे परफॉर्मेंस पे फ़र्क ना पड़े तो मैं उनसे खुल के पूछता था बीसियों पचासीओं सवाल करता था जब तक मैं सैटिस्फाइड नहीं होता था हाँ परफेक्शनिस्ट हैं परफेक्शनिस्ट से ऊपर भी कोई लफ्ज़ हो तो वो हैं और अपने आप में एक अलग इंस्टीट्यूट हैं बहुत कुछ सीखने को मिला है और मिलता रहेगा जी ये तो बहुत अच्छी बात है मतलब जो एक्टर्स हैं जो संजय सर के साथ काम करते हैं उनका बाद में जब हम बातचीत करते हैं तो ऐसा ही कुछ रिजल्ट सामने सुनने में आता है बट एक होता है कोई भी मूवी करने के बाद एक्टर्स को उनकी स्क्रीन टाइमिंग को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है आपका कुछ सीन वीन ऐसा कुछ था मैंने गया म, म, मैंने आपको कहा ये तो 20-22 दिन का काम था जब मुझे पहली बार मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो मुझे कहा गया 20-22 दिन आपके चाहिए ये तो चला दो साल जी। पौने दो साल उसमें जो दिन मेरे खूब सा और रोल बढ़ता चला गया <laughs> सर बढ़ाते चले गए लिखते चले गए और बढ़ता चला गया तो फिर मैं भी फ्लो के साथ चलता चला गया पर ये कभी आ, आ, सोचा मैं तो ये भी भूल गया था मैंने करा क्या क्या है बाय द टाइम आई रियलाइज जब आने लगे से, अच्छा ये भी किया था तो फिर से कहूँगा आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर आई सरेंडर आई मीन आई लव टू सरेंडर और वो सरेंडर तब आता है जब आपको बेानतहा यकीन हो कि आपको जो डायरेक्ट कर रहे हैं उनके हाथों में आप सेफ़ हैं और वो कमान आपकी टेम करेंगे आपको ठीक से सो आई एम अ डायरेक्टर एक्टअप ये मुझे चीज़ बहुत कॉन्फिडेंस देती है yes तो मतलब आपकी कोई भी मतलब जितना भी आपने शूट किया था आपकी कहीं भी सीन नहीं काटी गई है अगर हम पूरा अब आप...

तो आई फील हैप्पी मेरे डायलॉग्स तक जो मैं इम्प्रोवाइज़ कर गया था uh, मक्खन के डोंगे हैं एक जगह पे एक जगह की आराम खोर मुझ पर गाड़ी चढ़ा दे सो so, वो वो जो बड़ी सारी कुछ उर्दू के लफ्स थे जिन्होंने कहा ये ही कहिए अब रक्कासाओं एक लफ्ज़ था कि रक्कासाओं की फ़ौज लाएँ आप तो कुछ पूछते थे सर उसी टाइम इम्प्रोवाइज़ करते ये लफ्ज़ के लिए कुछ और तो वो सारे एक्सेप्टेड और आए वहाँ दिखे और आई फील हैप्पी एंड फील मोर कॉन्फिडेंट मेरा 95 फाइव परसेंट नाइनटी परसेंट इनफैक्ट 100 परसेंट शायद पूरी मैं देख नहीं पाया मेरा काम बरकरार है पूरा रखा है